करीना बुआ के हाथ में आएगी प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट और निकलेगी प्रीता प्रेग्नेंट और करीना बुआ होगी शैलिन पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है और प्रीता की कोख में कोई भी बच्चा नहीं है। यह सच्चाई शैलिन करीना बुआ के सामने लाने के लिए और प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लुथरा हाउस से लोनावला में आ जाने की वजह से और बच्चे ने प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट के कागज के एरोप्लेन बना देने की वजह से और उसे शैलिन के सामने ही उड़ा देने की वजह से वो कागज का एरोप्लेन सीधे सृष्टि से जाकर टकराएगा और इसी वजह से जब शैलिन सृष्टि के पास उस कागज का एरोप्लेन यानी कि प्रीता का रिपोर्ट हासिल करने के लिए जाएगी तब सृष्टि को शैलिन पर शक होगा और इसी वजह से सृष्टि वो कागज का एरोप्लेन यानी कि प्रीता की प्रेगनेंसी का रिपोर्ट शैलिन को नहीं देगी और तभी वहाँ पर शैलिन के साथ करीना बुआ आ जाएगी और सृष्टि को कहेगी कि ये मुझे दो और सृष्टि करीना बुआ को वो कागज का एरोप्लेन दे देगी और सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि जब करीना बुआ प्रीता की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखने के लिए उस कागज के एरोप्लेन को सीधा करेगी तब उस प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स में सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव होंगे जिसे देखकर करीना बुआ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी लेकिन शैलिन के चेहरे पर उदासी आ जाएगी और करीना बुआ शैलिन पर गुस्सा करेगी और कहेगी कि तुम तो कह रही थी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है तो देख लो ये रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि पॉजिटिव और इसी से पता चलता है कि प्रीता प्रेग्नेंट ही है। लेकिन प्रीता को यह सच्चाई के बारे में पता नहीं होगा कि वो असलियत में प्रेग्नेंट ही है इसी वजह से प्रीता को लग रहा होगा कि वो सबसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में छुपा रही है और सबको धोखा दे रही है जिस वजह से प्रीता ज्यादा देर तक अपनी सच्चाई ना छुपाते हुए और करण को अपनी सारी प्रेगनेंसी की बात बताने के लिए जब करण प्रीता को हल्दी फंक्शन की पार्टी में बुलाने के लिए प्रीता के कमरे में आएगा तब प्रीता को काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोते हुए देखेगा और प्रीता को चुप कराने के लिए करण प्रीता को गले लगा लेगा और कहेगा कि ऐसे रो मत प्रीता क्योंकि जल्दी कैप्टन आने वाला है जो हमारी जिंदगी में काफी खुशियां भर देगा जिसे सुनकर काफी ज्यादा रोती हुई प्रीता कहेगी कि चुप हो जाओ कोई भी कैप्टन नहीं आने वाला क्योंकि मेरी कोख खाली है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ जिसे सुनकर करण को काफी बड़ा शॉक लगेगा और करण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन असलियत में प्रीता प्रेग्नेंट ही है या प्रीता को असली सच्चाई तब पता चलेगी जब करण प्रीता नीचे हल्दी फंक्शन की पार्टी में जाएंगे तब करीना बुआ खुद प्रीता को कहेगी कि लुथरा हाउस से तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई है जिसमें तुम प्रेग्नेंट हो कांग्रेचुलेशंस प्रीता और ये सब करीना बुआ के मुंह से सुनकर प्रीता पूरी तरह से हिल जाएगी और प्रीता को एहसास नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है क्योंकि उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी जिस वजह से जब प्रीता डॉक्टर को फोन करेगी तब डॉक्टर ही बड़ा खुलासा करते हुए कहेगी कि प्रीता हमसे बड़ी भूल हो गई थी क्योंकि तुम्हारा ब्लड सैंपल किसी और के साथ बदल गया था जिस वजह से हमने यह नई रिपोर्ट बनाई जिसमें तुम साफ साफ प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में एक नहीं बल्कि दो दो बच्चे हैं जिसे सुनकर प्रीता काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और करण की जान में जान आएगी और प्रीता के लिए शैलिन का प्लान सारा फेल हो जाएगा। और लेकिन आप करण को प्रीता के बच्चे के बाप के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं? और लेकिन अगर प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आई और प्रीता प्रेग्नेंट नहीं निकली और करण के बच्चे की मां नहीं बन पाएगी तो इसके बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।